गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR ट्यूटोरियल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ऑफ वाल्टर डे ला मेयर, एन एपिटाफ। पोएम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। लेट्स डिस्कस। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 को लंदन में हुआ था और उनकी डेथ 22 जून 1956 को हुई थी। वो एक इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट थे। उनके जो फेमस वर्क्स थे वो बच्चों के लिए थे। वो बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स और नॉवेल्स लिखा करते थे। उनके फेमस वर्क्स में द लिसनर्स, साइकोलॉजिकल हॉरर, सीटन्स आंट और ऑल हॉलोज शामिल हैं। उनका एक वर्क था मेमोरीज ऑफ मिडगेट। इसके लिए उनको 1921 में जेम्स टैट ब्लैक मेमोरियल प्राइज अवार्ड दिया गया था। उनका एक और वर्क था पोस्ट वॉर कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन, जिसके लिए उनको 1947 में कार्निक मेडल अवार्ड दिया गया था, जो कि ब्रिटिश चिल्ड्रन बुक्स अवार्ड है। Let's discuss the title of the poem, epitaph. Christian mythology में जब कोई मर जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उसे हम दफनाते हैं और उसकी ग्रेव के ऊपर हम एक टूमस्टोन लगाते हैं और उस टूमस्टोन में उस मरे हुए आदमी के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके बारे में लिखी हुई होती है, उसी को हम एपिटाफ कहते हैं। ये एक बहुत ही छोटी सी पोयम है, सिर्फ 8 लाइन की पोयम है और ये एक मेमोर पोयम है, यानी कि ये किसी की याद में लिखी गई है। इस पोयम के अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम डेथ एंड इफेक्ट ऑफ टाइम है। पोएट ये बताना चाहते हैं कि हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, एक ना एक दिन मर जाना है। और कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी फेमस क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वक्त उसे भुला देता है, वक्त के साथ लोग उसे भुला देते हैं। ये पोएम जो है एक वेस्ट वर्ल्ड की बहुत ही खूबसूरत लेडी के बारे में है, जिसकी सिर्फ शक्ल ही खूबसूरत नहीं है बल्कि उसका दिल भी बहुत साफ है और वो बहुत ही बेबाक लड़की है और वो हमेशा जो है यहाँ से वहाँ घूमती रहती है और उसके दिल में किसी के लिए कोई भी इलविल, कोई भी बुक्स नहीं है। पर वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। पोएट जो है उसके ग्रेवयार्ड के पास खड़ा हुआ है और उसको देखता है, उसे याद करता है और बहुत ही ज़ारो कतार होकर के रोने लगता है। फिर पोएट ये सोचता है कि आज मैं ज़िंदा हूँ तो मैं इसे याद कर रहा हूँ, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं इसको पसंद करता हूँ, लेकिन कल जब मैं मर जाऊँगा तो इसे याद करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। लेट्स डिस्कस द लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। Here lies a most beautiful lady. पोएट जो है उस लेडी के ग्रेवयार्ड के पास खड़ा हुआ है और उसको ही एड्रेस करता है और कहता है कि यहाँ पर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉशी, उसका दिल जो है बहुत ही साफ है, उसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है और वो बहुत ही खूबसूरती से क्या करती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमती रहती है, क्योंकि वो एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की है। आई थिंक She was the most beautiful lady that ever was in the West Country. मुझे ऐसा लगता है कि पूरे West Country में ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और इसके जैसी खूबसूरत लड़की अभी तक यहाँ पैदा नहीं हुई। But beauty vanishes, beauty passes, however rare it be. लेकिन खूबसूरती जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। ब्यूटी पासिस, वक्त के साथ जो है वो खूबसूरती ढल जाती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी खूबसूरती धीरे धीरे घटने लगती है और एक वक्त के बाद उसकी ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, चाहे वो कितनी भी रेयरेस्ट ब्यूटी क्यों ना हो, चाहे वो लड़की या वो लड़का या वो इंसान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वक्त के साथ जो है उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, Who will remember this lady of the West Country?
जब मैं मर जाऊंगा, फिर पोएट क्वेश्चन करता है, जब मैं मर जाऊंगा तो इस खूबसूरत लड़की को, इस हसीन लड़की को कौन याद करेगा। आज मैं जिंदा हूँ तो अब उसे याद कर रहा हूँ, उसकी ग्रेवयार्ड पर खड़ा हूँ, उसके लिए आंसू बहा रहा हूँ, पर जब मैं मर जाऊँगा तो उसे कौन याद करेगा। और यहीं पर ये छोटी सी पोएम ख़त्म हो जाती है। भले ही ये बहुत ही छोटी सी पोएम है, बट ये हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। पोएट ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं होती है। हर एक इंसान को एक न एक दिन क्या करना है, मरना है, और वक्त के जो है लोग उसे भुला देते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस पोयम को समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कहीं पर कोई कसक रह गई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस अब आना शुरू हो गए हैं और ऐसे ही मेरे वीडियोस आते रहेंगे। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। मेरे हस्बैंड को लंग कैंसर हो गया है जिसकी वजह से बहुत दिनों से मैं वीडियो पब्लिश नहीं कर पा रही हूँ। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सब से मेरी इल्तिजा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।